तो ये कोरोना आज पहली बार नहीं आया, कई बार ये हुआ है, कई बार अनगिनत बार हुआ है। जैसे जैसे कर्म बंधन धरती लोक पे, मनुष्य की सोच नेगेटिव होती जाएगी, वायुमंडल प्रभावित होता जाएगा, कोई भी तत्व इम्बैलेंस हो सकता है, भूकंप आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये कुदरत का खेल जिसे आप कहते हो, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान ने तो फरिश्ते बनाए थे, परम पुरुष बनाए थे, लेकिन हम अपने इच्छाओं के कारण, कामनाओं के कारण निराकारी से आकारी बने और आकारी से साकारी बने, और साकारी बनने के बाद भी 84 लाख योनि में जा रहे हैं। तो ये हमारा ही अज्ञानता है। जो इन सभी चक्करों से मुक्त होना चाहता है, जो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठना चाहता है, उसको आज अभी इसी वक्त अपनी अगली जर्नी की तैयारी करनी होगी। परमात्मा तो बोलता है कि मैं तो तुम्हें अमर लोक ले जाने आया हूँ, पर तुम्हें सुनो तो सही, जानो तो सही, मुझे मानो तो सही, पहचानो तो सही। हम मानने को तैयार नहीं है कि भगवान का अस्तित्व भी है। जितने भी देवी देवता, ये यक्ष किन्नर सब जो मनुष्य बन चुके हैं, उन सबको जागृत करने के लिए परमात्मा आते हैं, उनको जगाते हैं, उनको हिलाते हैं। ये सब सिग्नल्स हैं। अगर जीवन में अगर बुरा समय आ गया है, तो ये समझ लो कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ चुका है। ये अच्छे लोगों की कमी नहीं है। जिस दिन 33 कोटि देवता जाग गए, तो आप सोच के देखो कितना आनंद आएगा, ये वायुमंडल कितना खुशी का होगा, कितनी आप देखो, जब भलाई के कार्य जो कर रहे हैं, वहां जाके एक वायुमंडल को चेक करो, वहां के वाइब्रेशनों को चेक करो। तो इस दुनिया में जब 33 कोटि देवताएं, 9 लाख बेहद की आत्माएं जागृत होगी, तो वायुमंडल में कितनी खुशी होगी। जो उस परमात्मा को, अगर ये दुनिया आज के आज अभी के अभी उस परमात्मा को 700-800 करोड़ मनुष्य प्लस जितने भी भूत प्रेत जितने लोक में बैठे, वो सब अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं सब एक साथ एक संकल्प करे परमात्मा का कि अभी के अभी परिवर्तन हो परमात्मा, हम तैयार हैं इस दुनिया को छोड़ने के लिए, तो दुनिया एक ही सेकंड में बदल सकती है। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य को उस परमात्मा के बारे में सोचना चाहिए, उसी के बारे में सोचना चाहिए। वही होता है आखिर में जब दुनिया नहीं होती उसके साथ। वही राम का नाम सत्य बताया, वही परम सत्य परमात्मा तो वही है, जो नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। तो हम सबको ये संकल्प करते रहना चाहिए कि परम 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 शांति हो रही है, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. Behad ki param shanti so.